तो हर कश्मीरी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है। मेंटली इल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पागल हो। एक अलार्मिंग स्टेज पे हम हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल 10 अक्टूबर के दिन हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, लेकिन जिस कोने से मैं बिलोंग करती हूँ, कश्मीर, वहाँ आज भी मेंटल हेल्थ को लेके एक टैबू क्रिएटेड है कि हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। जबकि कहीं ना कहीं जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो हर कश्मीरी कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है। डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है या डिसऑर्डर्स है, उनसे जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को शर्म आती है, हम लोगों को ये कहने में शर्म आती है दैट वी आर नॉट मेंटली फिट। मेंटली इल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पागल हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम है, एक अलार्मिंग स्टेज पे हम हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सब लोगों को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की। जहाँ तक इस साल के मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है, इस साल भी मेंटल हेल्थ को एक थीम के तहत मनाया जा रहा है। मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और जहाँ तक ह्यूमन राइट की हम बात करते हैं तो हम सब लोगों को मेंटल हेल्थ हमारा एक हक है, एक बुनियादी जिंदा रहने के लिए एक ऐसा हुकूक है हमारा, एक ऐसा हक है हमारा, जिसको हम लोगों को जिसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आज के दिन की बात है, मैं यही अपने कश्मीरी समाज को एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो भी कोई इस बात को सुनेगा या जानेगा, आप लोगों को मेंटल हेल्थ डे के दिन एक दूसरे के तई हसास होने की ज़रूरत है। क्रिएट सेंसिटिविटी टूवर्ड्स ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, टूवर्ड्स ईच अदर्स इशूज़। उसी की तरह से हम फिर मेंटल हेल्थ जो इशूज़ हमारे सोसाइटी में इतने ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं एज अ समाज। हम लोग तभी मेंटल हेल्थ इशूज़ को, सुसाइड्स को, ड्रग एडिक्शन वगैरह को एड्रेस कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के लिए हसास हो जाएंगे, जजमेंटल नहीं हो जाएंगे, कंपेरिजन्स नहीं करेंगे। हम हर किसी को उसके थॉट प्रोसेस, उसके तरीके से जीने देने की कोशिश करनी है हमें, और एक दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करनी है, और अपने मेथोडोलॉजी को दूसरे पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का दुख को, प्रॉब्लम्स को झेलने का, उनके साथ डील करने का अपना एक तरीका है। और इसीलिए आप सब लोगों को एक दूसरे के लिए एज अ समाज हसास होने की ज़रूरत है, तभी जाके आप अपने समाज को, अपनी स्टेट को, अपने नेशन को मेंटली हेल्दी बना सकते।